अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज मैं सांभर मसाला बना रही हूँ। देखो, एक चम्मच हल्दी है और ये डेढ़ चम्मच तुअर की दाल है और ये चने की दाल डेढ़ चम्मच है और ये काली मिर्ची है डेढ़ चम्मच और ये मेथी दाना एक चम्मच और ये जीरा डेढ़ चम्मच और करी पत्ता मेरे घर में इतना अच्छा है, आपको चाहिए और लो। जितना ज़्यादा करी पत्ता रहेगा ना उतना टेस्ट बढ़ जाएगा। और एक प्याली धनिया है, अक्की धनिया, ये सब भून के लेने का है और ये 25-30 मिर्ची है, आपको चाहिए और मिर्ची ले सकते हैं, अभी मैं इतना ली हूँ। और ये उड़द की दाल एक चम्मच है। सबसे पहले मिर्ची भून के लेने की, हाँ आपको चाहिए और मिर्ची ले सकते हैं, मैं इतना ली हूँ। पहले मिर्ची भून के लेने की और उसके बाद सब मसाले भूनने की। करी पत्ता इतना अच्छा है, आपको चाहिए और लेना। मिर्ची भून के हो गई, अभी मैं बाकी सब मसाले, मिर्ची निकाल के बाकी सब मसाले भून। ये देखो सब मसाले डाल रही हैं। एक प्याली धनिया, अभी पूरे मसाले डाल दो क्योंकि ये अपने घर में सब रहता है, ये सब रहता है तो अपन खुद बनाने का रखने का अपने रमजान में अपने काम आ जाएगा। ये सब मसाले पैकेट लाने की ज़रूरत नहीं, ये घर में अपने मसाले सब रहते हैं, ये सब चीज़ें घर में रहती है, बना के रखने का तो अपने को कभी भी काम आता है। बाहर से लाएंगे तो महंगा पड़ता है, कितना पैसे का पैकेट मिलता है और फिर वो बहुत महंगा हो जाता है, अपना घर का सस्ता पड़ता है। अब ये भुनने के बाद पीसने का हो गया, क्या काम है इसमें। अब मैं आपको मैं मच्छी का मसाला भी बताऊंगी, पाव भाजी का भी बताऊंगी। ये खुशबू आने लगी, मसाला भून के तैयार है। अभी मैं इसको पंखे के नीचे ठंडा करती और मिक्सर में पीस के आपको बता दी। इसमें मैं पीस के मसाला, पूरा मसाला पीस के लाई हूँ। अभी ये हल्दी मिक्स करने का है, अंदर हल्दी मिक्स कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ऐसा बनाओ मसाला और घर में रखो तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं। देखो कितना सारा मसाला बन गया अच्छे से, नीचे थोड़ा सा मसाले को कितना पैसा लगता है, हाँ 25-26-27 रुपए का एक पैकेट आता है। और ये देखो कितना सारा मसाला बन गया। ये देखो सांभर मसाला बन के तैयार है। अगर आप दाल भी पकाएंगे उसके अंदर भी तुअर दाल, मसूर दाल, जो भी दाल पकाएंगे उसके अंदर भी एक चम्मच डालेंगे तो बहुत टेस्ट अच्छा लगेगा। आप ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हाँ तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।